सब्सक्राइब करें टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। वैसे तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, मोस्टली सभी को पता, पर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनको ये जानकारी नहीं है अभी तक, या वो ट्रांसफर करना नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बाइनेंस से किसी भी एक्सचेंज में, या फिर आप बाइनेंस से बाइनेंस में भी आप कैसे फंड भेज सकते हैं बिना अपना फीस लगे हुए। आपको पता आजकल फीस काफ़ी लग रही है, अगर यूनिस्वैप की बात करते हैं तो 42 से 50 डॉलर तक भी आजकल फीस लग रही है इथेरियम जो यूनिस्वैप एक्सचेंज है। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, आप किसी भी एक्सचेंज में पहले आप चेक कर लीजिए कि आपको वहाँ पर TRC20 ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। काफ़ी एक्सचेंजेस में जैसे आप बिट्रू से भेजते हैं कहीं पर भी XRP को, तो वहाँ पर आपसे फ़ी नहीं ली जाती है। तो और किसी किसी एक्सचेंज में XRP को सेंड करने में 0.25 XRP की फ़ी लगती है, यानी कि 5 से 7 रुपये की फ़ी लगती है। और अगर हम बात करते हैं अगर आप ट्रोन कॉइन के थ्रू भी भेजते हैं तो उसमें भी 5 से 6, क्योंकि 5 ट्रोन कॉइन की फ़ीस लगती है, यानी कि करीब 7 से 8 रुपये के आसपास फीस लगती है। तो XRP और ट्रोन कॉइन में बहुत ही कम फी है। आप XLM में भी कॉइन भेज सकते हो, आप यहाँ पे XLM में ट्रांसफर कर लीजिए, उसके बाद उसे सेल करके दोबारा से USDT या जो भी आप कॉइन में करना चाहते हो, तो जो BTC और USDT की जितनी फीस आपको उसमें नहीं लगने वाली है। तो आज आपको मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ्री में कैसे फंड भेजा जाता है वो बताऊंगा। नॉर्मल वीडियो है दोस्तों, आप पर कुछ लोगों के तो जरूर काम आएगी। तो सिंपली सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने बाइनेंस एक्सचेंज पर। तो देखिए, मैंने अपना बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन कर लिया है। तो इसके मैं जाता हूँ वॉलेट में, स्पॉट वॉलेट के अंदर, क्योंकि फंड आप स्पॉट वॉलेट का ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें देखते हैं कितना फंड है मेरे पास अभी, 496 डॉलर के आसपास का है। तो मैं इसको विड्रॉ करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, विड्रॉ बटन पे क्लिक करना है, और विड्रॉ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको आ रहा है USDT, जो भी कॉइन भेजना आपको, ये आपके कॉइन है टोटल क्वांटिटी, और यहाँ पर आपको रिसिपेंट्स USDT एड्रेस डालना होगा, तो जिसको आपको भेजना है। और अब किस आपको जिसको भेजना है, पहले वहाँ पे भी देखना पड़ेगा उसके पास कौन कौन से नेटवर्क अवेलेबल है जहाँ पर भेजा जाए। तो सिंपली मैं यहाँ पर भी अपना दूसरा अकाउंट है, मैं इसमें भी चला जाता हूँ। इसमें देखो कितना फंड है अभी अवेलेबल, देख लेते हैं। तो इसमें भी करीब करीब 920 डॉलर के आसपास इस वक्त मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इसमें से मैं इस अकाउंट में मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं जाता हूँ। एक्चुअली मैंने काफ़ी अकाउंट बनाए हुए बाइनेंस पर, एक ही अकाउंट पे मैं डिपेंड नहीं रहता हूँ। कम से कम मेरे पास 3-4 अकाउंट है बाइनेंस की, और मोस्टली जैसे बाइनेंस हो गया, VGX कॉइन, DCX, OKX, KuCoin, MXC, BitMart, और इन सभी एक्सचेंजेस पे मेरा काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पे मेरा अकाउंट है। तो अब सिंपली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे अगर डिपॉजिट करना है तो सिंपली यहाँ पर मैंने देखिए ऊपर देख लीजिएगा, डिपॉजिट वाले सेक्शन में आपको आपका यहाँ पे 3 मोड दिए गए, ERC20 से भेजना है, ओमनी से भेजना है, TRC20 से। अगर आप ERC20 से भेजते हो तो यहाँ पर आपको फ़ी देनी पड़ती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा ERC20 से भेजो, आप जब TRC20 ओमनी को छोड़ दीजिए और हम TRC20 को यूज़ करेंगे। तो TRC20 एड्रेस हमारा यहाँ पर है, ये सिंपली आप इसे कॉपी कर सकते हैं, चाहे आप इसको स्कैन करके भी कर सकते हैं। अगर मोबाइल से भेजेंगे तो ईजिली स्कैन का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको मैंने एड्रेस को कॉपी कर लिया है, और अब मैं जाता हूँ अपने दूसरे, मैंने 2 ब्राउज़र ओपन किए हुए हैं एक्चुअली, आपका मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो नया मॉडल है एज करके। यहाँ पर मैंने TRC20 एड्रेस को सेंड कर दिया। देखिए TRC का T से शुरू होगा, ERC का ER से शुरू होगा, और TRC का T से शुरू होगा। अब इसके बाद अमाउंट मुझे यहाँ से जो भेजना है, मैं मैक्स को यूज़ करूँगा ताकि मेरा पूरा फंड यहाँ से ट्रांसफर हो जाए, और सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पर फ़ोन पर आपको जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होगा उस पर आपको SMS आएगा, और साथ में ईमेल पर भी आपको ईमेल पर भी कोड आएगा। तो सिंपली चलिए मैं ईमेल पे भी चल लेता हूँ। तो देखिए ईमेल पे भी आ गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं इस कोड को उसमें डाल देता हूँ, 58 27 35, यही है, हाँ जी। और अब इसके बाद SMS पे भी देख लेते हैं, SMS में क्या आया है। तो ये दोनों कोड डालने के बाद मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, तो अभी यहाँ पे प्रोसेस होगा, तो शायद आपका 2 या 3 मिनट में आपका फंड वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है कि मेरा इतना फंड इस अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो मैं इसको चलिए सेव कर लेता हूँ, तो मैंने ये भी सेव कर लिया है। तो सिक्योरिटी, इसलिए इसका मुझे खैर ज़्यादा ड्रामा नहीं करना है।
तो मैंने ये सेटिस्फाइड कर दिया है। चलिए अब मैं देख लेता हूँ अपना दूसरे अकाउंट में कितनी देर में, पहले एक बार ईमेल भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जैसे विड्रॉ करते हैं तो हमें ईमेल भी आता। देखिए यहाँ पर ईमेल भी आ चुका, सक्सेसफुल विड्रॉल इतने अमाउंट का। और अगर अब मैं जाता हूँ अपने दूसरे अकाउंट में, यहाँ पर मुझे कितना, देखिए 4903 तो पहले ही था, अब यहाँ पे मैंने करीब करीब 500 के आसपास और दोबारा भेजा है, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा पास फंड पहुंच भी गया, करीब करीब 1400 डॉलर इसके इस अकाउंट में मेरे पास अभी इस वक्त अवेलेबल हो चुके हैं। यानी कि जो मेरे 903 में हमारा ये 496 का और भी फंड ऐड हो चुका है। तो मैं इसको भी एक बार कैलकुलेट भी कर लेता हूँ ताकि ये पता चल जाए, बाकी डिपॉजिट की हिस्ट्री में भी पता चल जाएगा मुझे 496 प्लस 903। तो देखिए 339 ये बिल्कुल ठीक आ चुका है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में भी देख सकते हैं हम, तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा। तो देखेंगे ये हमारा फंड यहाँ पर आ चुका है कंप्लीटेड, ये सब कुछ आपको दिखा दे रहा होगा, इंटरनल ट्रांसफर भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लास्ट में 4444 है, तो हम यहाँ से भी इसको चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं अपनी इससे। तो यहाँ पर भी एक बार हम देख लेते हैं और विड्रॉ के अंदर जाके, तो यहाँ पर आपकी हिस्ट्री के अंदर दिखाई देगा, देखिए ये रहा 2 तारीख को, और इंटरनल ट्रांसफर के अंदर 4444, यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने फंड को किसी एक्सचेंज से दूसरे में भेज सकते हैं, चाहे बाइनेंस से बाइनेंस में, और आपको फी भी नहीं लगती और एकदम इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाती है। XRP में भी आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, TRX में नहीं लगेगा, पर आप यही TRC20 का यूज करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, आई होप आपको थोड़ी भी काम की लगी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है, किसी एक्सचेंज पे आपको इश्यू आ रहा है, मैं फिर लेकर आपके लिए नई वीडियो आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।